तो चले अंदर केज में जाते हैं। हमारे पास जो कबूतर थे वो मैं आपको शो कराऊंगा एक एक करके। यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप इधर आए पापा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, और बहुत ही अच्छा व्लॉग है। क्यों? बिल्कुल, आज हम अपना सेटअप आप लोगों को शो करेंगे फैंसी कबूतर से। हमारे पास जितने फैंसी कबूतर से और कौन कौन सी नस्ल के कबूतर हमारे पास है, तो आज हम आपको शो करेंगे। अपने सेटअप के बारे में भी कुछ बताएंगे, हमारे पास जो फैंसी कबूतर है उनके क्वालिटीज़ के बारे में भी कुछ बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप जो जो शौकीन हजरात हैं हमारी तरह जो शौक़ रखते हैं फैंसी कबूतर अपने सेटअप बनाने का, तो दिखाते चलो आपको अपना सेटअप के बारे में, अपने कबूतरों के बारे में, सारे क्वालिटीज़ के बारे में, जो जो हमारे पास फैंसी कबूतर अवेलेबल है उन सब के बारे में आपको बताएंगे। चले बनते रहे हमारे साथ, वीडियो में साथ रहिए और चलते हैं अभी अंदर। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। चलें स्टार्ट। तो चले अंदर केज में जाते हैं। हमारे पास जो कबूतर थे वो मैं आपको शो कराऊंगा एक एक करके। यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप इधर आए पापा, आप पकड़ो इसको। ये हमारे पास लाहौर शेराजी है, माशाल्लाह से ये है जर्मन बर्ड लाइन के शेराजी है। इसके नीचे बच्चे हैं, अभी मैं बच्चे भी शो कराऊंगा। ये नीचे देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह से, इनको अभी 4-5 दिन हुए हैं बच्चों को। और अभी चलो इसको बंद कर दो, इसके साथ आ जाए हमारे पास पामोरियन क्या नाम है पोटर है। तो ये देख सकते हैं अभी ये भी अंडू पाई हुई है माशाल्लाह, बहुत ही बिग साइज़ है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसके पामोस कितने अच्छे हैं। और इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास है जर्मन ब्यूटी है, जर्मन ब्यूटी, आप इसको खोल के देखा अंदर से माशाल्लाह से, इसकी साइज़ देखें जर्मन ब्यूटी की माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा साइज़ है। देखो अभी ये बैठा हुआ है, लेकिन जब ये सही तरह होता है तो बहुत ही अच्छा साइज़ है। और इसके बराबर में हमारे पास यहाँ पर लाहौरी शेराज़ी है ब्लैक में, तो उसको खोलें। और ये बहुत ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, ये जो है वो पेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी अभी अंडों पे आई हुई है, तकरीबन मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर अंदर ये भी अंडे देंगे। तो उसके साथ जो नीचे हमारे पास ब्लैक मक्खी ब्लैक में लगा है हमारे पास, जो बहुत ही आम है लेकिन बहुत ही प्यारा कलर है और काफ़ी डिमांडिंग है ये वाला लगा। हाँ, इसने अभी अंडे दिए हुए थे, अंडों में से कुछ निकला ही नहीं, वो पानी पानी, मतलब इनका अंडा बना ही नहीं था सही ना, तो फिर हमने इनको फेंक दिया है इसके अंडे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये नर्म मसला, हमने इनका जोड़ा भी नया लगाया था जोड़ा, तो इनका जो इसका जो इसके साथ जो मेल था उस दिन हमने सेटअप बना रहे थे, तो वो छत के नीचे से गिर गया था, नीचे से बिल्ली ने उसको उड़ा लिया, तो ये मेल हमने बाद में लगाया, इनके साथ जोड़ा लगाया था, तो इसकी वजह से ये तो लोकल ब्रीडर है हमारे पास इतने। तो अभी चलो आगे चलते दूसरे जहाज पे। ये है हमारा सबसे प्यारा ब्रीडर पेयर है जिसका नाम है सेटिनेट। इसका एक कल रात में हमने इनके साथ एक बड़ा ज्यादती की है, तो इनका जो बच्चा था इनके अंडों में से बना हुआ था, अंडा क्रेक हुआ था जैसे देख सकते हैं, ये इस तरह क्रेक हुआ था, मैंने इनका बच्चा निकाला था अंडों में से, तो सुबह तक देखा तो बच्चा फीड नहीं किया इन लोगों ने या पता नहीं क्या हुआ, मर गया सही सलामत बच्चा पे। अब इसमें भी बच्चा पैदा हुआ हुआ अंदर हिल रहा बिल्कुल अंडे में से, तो अभी इनको हम तोड़ेंगे नहीं, खुद ही बना लेंगे कल रात तक या शाम तक। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने बुखारा की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ट्रम्प पीटर बुखारा है, बहुत ही खूबसूरत, और अभी इसकी एक आँख में ज़रा सा मसला चल रहा है क्योंकि मौसम ऐसा है, तो आँख में ज़रा सा रेशा आया हुआ है, बाकी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेयर है, ये बहुत ही प्यारा पेयर है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना अच्छे फुल पामोज हैं इसके, लेकिन इसकी आँख में ज़रा सा मसला है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाए ऊपर येलो टेल हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास येलो टेल है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, येलो टेल और सिल्वर टेल। तो यहाँ पे येलो टेल जो है वो अभी मार्केट में बिल्कुल नायाब है, बहुत कम लोगों के पास है, तो ये देखें कितना प्यारा है ये। अभी झड़ का मौसम था तो इनकी दुम वगैरह झड़ी थी, लेकिन अब देखें मादा की कितनी अच्छी आ चुकी है, और अब जो है वो नर की जो है वो आ रही है, ये देखें। और नीचे हमारे पास नन का पेयर है, ये भी माशाल्लाह से ये अभी ब्रीड करने वाला है 1-2 दिन में, ये मीटिंग शीटिंग कर रहे काफ़ी एक हफ्ते से, लेकिन अभी ये अंडों पे पता नहीं आई नहीं आई, मतलब हो जाएगा इसी हफ्ते के अंदर अंदर इनके भी अंडे आएंगे, बच्चे पैदा करेंगे ये भी। तो उसके साथ नीचे हमारे पास डेनिश का पेयर है, वाइट डेनिश है हमारे पास, ये भी ब्रीडर पेयर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बाहर की ब्लड लाइन का है, जर्मन ब्लड लाइन है इसकी, और देख सकते हैं कितना अच्छा है। अभी रात का टाइम होने वाला है तो सारे परिंदे जो हैं वो आराम से सुकून से बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेयर है, यहाँ पे सिल्वर मुखी का, जो सिल्वर ब्लैक मुखी सबके पास होते हैं लेकिन सिल्वर मुखी जो है बहुत कम लोग रखते हैं माशाल्लाह से, इसने भी अंडे दिए हुए और ये अंडों पर है माशाल्लाह से, तो ये देखें कितना खूबसूरत है।
और इसके बाद हमारे पास ये मैन डिमांडिंग और सबसे प्यारा हमारे लॉफ्ट का सबसे महंगा कबूतर, ये हमारे पास है सेटल फॉर ब्लैक। तो माशाल्लाह से ये ब्रीडर पेयर है। अभी ये भी देख एंडो, सकते हैं इनके पामों, तो इनके फ्रिल देख सकते हैं डबल कलर में है, जब इनको सैडल कहा जाता है, और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा है। उसके साथ अभी ऊपर आएंगे हमारे पास जेकोबियन डबल हुड के चिक्स है हमारे पास। ये अभी तो चिक्स है माशाल्लाह से, अभी अभी से ये तक आप देख सकते हैं जीरो कली की चक्स हैं, और कितने इनका हुड कितना ज़बरदस्त है, जब ये पूरे फॉल हो जाएंगे तो कितना ज़बरदस्त होगा, ये डबल हुड के हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। ये हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। इस देसी कबूतर अभी दिखाएंगे, ये देसी हमारे का देसी कबूतर हैं जो हमने यूज़ के लिए रखे हुए हैं, ताकि बाद में काम आए बाद में हमारे। हमारे काम आते हैं, और ये हमारे सबसे पुराने कबूतर हैं, तो इसलिए हम इनको सेल आउट नहीं करते। यहाँ पे हमारे पास लगा है कुछ, इसके बाद अभी हमारे पास सेटिनेट का एक दूसरा और पेयर है। सेटिनेट का पेयर है, इसने भी अंडे दिए आज और कल के बीच बीच, इनके अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। तो नीचे एक हमारे पास पेयर ये है, यहाँ पे भी ये देसी के बच्चे, बच्चे निकले हैं। हाँ ये इसके बच्चे हैं। अभी इसने दोबारा अंडे दे दिए, नीचे देखें, इसने दोबारा अंडे दिए, इसके बच्चे अभी बड़े भी नहीं हुए, सही से सेल्फ फीड भी नहीं हुए, तो अभी इनके दाने भी निकल रहे, पता नहीं क्या मच्छर मच्छर ने काटा, यहाँ पर दाने भी धो रहे हैं इसके। तो चलो अच्छा है, मादी इनसे हट के बैठी हुई, खिलाती है इनके, मतलब इसका वो जो नर है वो इनको खिलाता है। तो उसके बाद ये हमारे पास और ये लका, हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा लगा है, जिसका ये एक बच्चा है, और ये भी फिर से एंडो पे आई हुई है। साथ में ये इसका जो है जोड़ा है, पेयर है इसका, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि परेशान हो चुका है अभी फिलहाल। ये इधर एक मादी है हमारे पास, इसके नीचे भी अंडे हैं। एक अंडा तो इसने तोड़ दिया, इसके साथ चिपक गया था नीचे, जो एक्सचेंज कर मतलब चेंज हो रहे थे ना, नर और नर इसके ऊपर बैठ रहा था, ये मादी इसके ऊपर नीचे चिपक गया था, नीचे गिर के टूट गया। ये हमारा से सबसे प्यारा चूचू है, इसका नाम हमने चूचू रखा है, ये लका का बच्चा है। इसी जो इधर बच्चा एक और भी है ना, इसी का बच्चा है ये भी, माशाल्लाह से ये फ्रेंडली है हमारे साथ, डरता मरता नहीं है हमसे। तो ये था कुछ हमारे, ये भी इसके मतलब ये भी हमारे पास गोला कबूतर है, चिक से ये, उन्हीं के मतलब बच्चे हाँ हैं चिक से ये जो हमारे तकरीबन लॉफ्ट में जो है वो आए हैं, इसके मतलब चिक से, लेकिन इसका नर था वो बेवफा हो गया, वो भाग गया, इसको छोड़ के भाग गया, तो इसके लिए हमने दूसरा नर लेकर आए हैं। अभी तो ये ये इनका भी हमारा जोड़ा, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेटअप है, आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, माशाल्लाह से छोटा सा है और बहुत ही प्यारा सा हमने ये सेटअप जो है बना के रखा हुआ है। अब इंशाल्लाह से ये सेटअप अभी थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, और भी इनके अंदर फैंसी कबूतर ले आएंगे। ये सारा सेटअप हम ख़त्म कर रहे हैं दूसरे साइड पे,